कागज पे ऐसी क्या चीज लिखने से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं हो जाएंगी पूरी, एक बताऊंगी पावर सिंबल, जो कहते हैं ना पूरी कायनात को जोड़ देगा आपको वो चीज हासिल कराने के लिए, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ, कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैं ब्लास्टिंग था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाचा लोगों? अब पहली चीज तो 369 का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक रूल है, वो जो एक कहते ना तरीका है, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन जो कि आपने सुना भी होगा, मैं कोई ऐसी नई चीज नहीं बताने वाली। लेकिन वो जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ति किन चीजों पे डिपेंड करता है, उस चीज को पहले आपको जानना जरूरी है। पहली चीज आपकी मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी मतलब आप कितने डिटरमाइंड हो उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को अचीव करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका मेंटल स्टेट वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए डिटरमाइंड नहीं है तो वो चीज नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इज योर फिजिकल एनर्जी। आपकी फिजिकल एनर्जी उस चीज को प्राप्त करने के लिए कितनी रेडी है। आपने कभी देखा है जो उस लेवल पे लोग हैं आज की डेट में टॉप है कि नहीं, बड़ी बड़ी सिंपल से कभी देखा, लेवल पे ले ऐसे करके बैठे हुए, ऐसे 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 मतलब कहते हैं ना एकदम आलस मार रहे ना जी ना, वो चीज अचीवमेंट में बाधा बन जाएगी। उसके लिए एक जबरदस्त सी चीज बताऊं, इससे आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत बेहतरीन, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेच। इसको लो, इसको लो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे, ये दिस इज द स्पिरिचुअल। थोड़ा सा पीछे भी आपको करना है ये, जब आप तीन चार बार करते हो, मैं कहती तीन बार सुबह करो, तीन बार दोपहर को करो, तीन बार रात को करो। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी की एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल फ्लो में अलाइनमेंट में आएगी। आपकी इमोशनल जो तीसरी चीज है, आपकी इमोशनल एनर्जी क्या है, आर यू फीलिंग हैप्पी अबाउट थिंग्स? अगर नहीं तो कैसे प्राप्त होगा, तभी तो लोगों की इच्छाएं पूरी होती नहीं, क्योंकि ना तो वो मेंटल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फिजिकल ऐसे करके पता नहीं चलो देखते हैं करके है कि नहीं, और इमोशनल दुखी बैठे हैं, ऐसे कैसे होगा पाशा लोगों? पहले ये चीज समझाऊं थोड़ा, ये चीज भी तो आपको समझनी जरूरी है। चाहे वो उपाय है, उपाय जो कर रहे हो वो तो एक से बढ़कर एक चीज पक्के उपाय रोज ही बताती हूं, लेकिन ये चीज भी तो समझनी जरूरी है। अब आपने सुबह, पहली चीज तो जो भी आपकी विश है, विश तो तब होएगी जो चीजों के लिए, जब आपके पास जो चीजें हैं उसके लिए कहते ना थैंकफुल होगे, शुक्रगुजार होगे, नहीं तो कहते ना वो परमात्मा वो भी बोलेगा यार रिलायंस को मैं इतना दे रहा हूं, जितना भी दे रहा हूं उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। जब सुबह उठते भी हो कहते ना फेक इट टिल यू मेक इट, तब तक उस चीज को बिलीव एज इट, वो तो है ही है, ऐसा करके। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज रूल का, ये जो आपकी इच्छा पूर्ति में यही चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी और यही चीजों से आपकी इच्छा पूर्ति हो पाएगी। सीधी सी बात है, जब हम कुछ चीज कहते ना सोच लेते हैं, हम अपनी विश अपने अंदर अंदर कर देते हैं, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो काम करता है ना उस चीज को, लेकिन हमारा पूरा ब्रेन काम नहीं करता उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि राइट ब्रेन हमारा इनएक्टिव है। सीधी सी बात है, तो अब जो चीज कहते हैं ना आप चाहते हो, पहले जब आप सुबह उठते हो तब आपने तीन बार लिखनी है, तीन बार उस चीज को प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, I am happy, I have money, I have lot of money, money flows to me easily and freely, मेरे पास पैसा है और मेरे पास पैसा बहुत आराम से आ जाता है, बड़ा फ्रीली आ जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ करने कहते हैं ना वो हम यूनिवर्स को करें कि हमें जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है पाशा लोगों, ये चीज समझने की कोशिश करो। तीन बार प्रेजेंट टेंस में, आई हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, आई हैव अ ब्यूटिफुल पार्टनर हु लव्स मी, व्हाटएवर, ये प्रेजेंट टेंस में तीन बार, आई एम सक्सेसफुल, फॉर एग्जाम्पल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, तीन बार सुबह।
अब ये चीज आपने जब लिख दी, सीधी सी बात है, अब बताती हूँ ये ब्रह्मांड का चमत्कार। देखती हूँ, जब भी आप अपनी विशेज को, आपने ये तीन बार लिख दी, आप प्रेजेंट टेंस में, जय भाई हो गया, तथास्तु कर दिया, इट्स डन, सीधी बात है। अब आपको मैं बताने जा रही हूं क्या है पावर सिंबल। अब आपने क्या करना है, वन लाइन ईयर सेवन जैसे होता है, एक दो तीन ऐसा, समझ गए? फिर से समझो, दिस इज चोकुरे। चोकुरे में जितनी भी ब्रह्मांड की एनर्जी फोर्स है इस सिंबल में समाई है। हालांकि रेकी का एक रूल होता है कि आप ये एनर्जी फ्लो तभी होएगी जब आप अट्यून्ड होगे। आपको अट्यून्मेंट इज द कनेक्शन बिटवीन यू एंड दोज एंड दैट एस्ट्रल मास्टर। अट्यून्मेंट इज द कनेक्शन बिटवीन यू एंड दैट यूनिवर्सल पावर। लेकिन फिर भी ये काम करेगा। जिनको अट्यून्मेंट चाहिए आप मेरे को बता सकते हो, अट्यून्मेंट के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर अट्यून्मेंट नहीं भी होती तो भी इसका जो काम है ये करेगा। फिर से समझा देती हूँ, दिस इज चोकुरे। जब भी आप ड्रॉ करोगे, अभी मैं बताती हूँ कैसे आपने ड्रॉ करना है। जब भी आप ड्रॉ करोगे, जैसे पहली बात तो जब भी हम सीखते हैं ना कोई भी सिंबल्स वगैरह, आगे और भी सिंबल्स बताने हैं, बहुत सारे सिंबल्स बताने हैं, उसको मेंटली इतना आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए मेंटली। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, जैसे कहीं पर जा भी रहे हैं हम लोग, कहीं पर काम के लिए जा रहे हैं, कहीं इंपॉर्टेंट चीज के लिए जा रहे हैं, वैसे भी अपनी बॉडी को इमेजिन करके चोकुरे 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 लाइक दैट। अभी देखते तो जाओ, कमाल धमाल क्या क्या चीजें बताती मैं, क्या बोलते पाशा लोगों, है कि नहीं? फोका पाकी नहीं, जो टू द पॉइंट हिट करेगी चीजें मैंने वो ही बता लिया आपको। चलो फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो, ऐसे लाइन, पहले ऐसे लाइन, ठीक है, फिर ऐसे लाइन, फिर ऐसे लाइन, ठीक है। अब 1 2 3 3.5 ऐसे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। आपने क्या करना है, जब जैसे आई एम हैप्पी, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, शॉर्ट में कर रही हूँ, वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी, है कि नहीं? हैप्पी सक्सेस, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। पहले चोकुरे बनाओ इधर, फिर लिखो आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, फिर चोकुरे एंड में, ताकि वो एक इधर उसकी जो एनर्जी है, उसकी पावर है, वो 10 times ज्यादा बढ़ा देगी, समझो। फिर आपने आफ्टरनून में लिखना है। जैसे सुबह हमने 3 बार लिखा, हर के आगे सिंबल, हर के आगे सिंबल, फिर सिंबल, फिर सिंबल, फिर सिंबल, सिंबल, ऐसे। दोपहर में लिखोगे, दोपहर में भी ये लिखोगे, आपने आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, एक बार इधर 6 बार लिखोगे। और रात को जब सोने जाओगे, सोने से पहले 9 बार लिखोगे। तो उससे क्या होता है, 369, वैसे भी जो एक नंबर है 369 कोड होता है यूनिवर्स का, इसमें जो आपका कहते हैं ना, जो आप, एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज मेरे को बताना, जब बचपन में है कि नहीं, जब आप स्कूल में होगे, क्या कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती थी क्या? वो बोलती थी टीचर, है टीचर बोलती नहीं, 100 बार लिखो, 50 बार लिखो, या क्या कहते हैं, अगर हम पंक्चुअल नहीं होते थे, लिखो 110 बार लिखो, आई एम पंक्चुअल, आई एम पंक्चुअल, आई एम पंक्चुअल, है कि नहीं? तो हम पंक्चुअल हो ही जाते थे, क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में वो चीजें स्टोर हो जाती है। ये आज से टेक्निक नहीं चल रही है, बहुत 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 सालों से टेक्निक चल रही है। लेकिन उसके जो लॉ है वो, एक तो एक और चीज बता देती है, जब बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए, एंगर हो गए, ये फ्रस्ट्रेशन और एंगर तो इस लॉ से एकदम विपरीत जा रहा है। आप ना तो किसी का कुछ छोड़ दो, वैसे ही मैं हमेशा बोलती हूँ, कंसल्टेशन में भी एक चीज बोलती हूँ, इस यूनिवर्स में पाशा लोगों एक आप हो, बस
बाकी जो चीजें है वो आपके ग्रह है, सीधी बात है, लेकिन ग्रह अपने ऊपर कुछ ना लेते, आपको भी मैंने बताया है। कहते हैं ना आपके मस्तिष्क में वो चीजें उत्पन्न करते हैं कि आप गलत रास्ते या सही रास्ते चले जाओ, सीधी सी बात है। तो ये टेक्निक जो होएगी वो 369 के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, रूल को और ज्यादा मल्टीप्लाई करेगी, जबरदस्त वे से काम करेगा। इसमें कोई डाउट मत लाना, पूछोगे कब तक करे, करो, करते जाओ। बच्चा चलता है गिरता है, अगर 1% चलो मान लो कई बार कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते कि हमारे विपरीत चले जाते, अपना बिलीफ नहीं छोड़ना, जस्ट लिव द वे, लिव लाइक दैट मैन। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही, सड़क से उठ के आए हुए लोग हैं हम, सीधी बात है। मेरी मदर तो खैर बड़ी रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी, लेकिन क्या हुआ, आपको भी सबको ही पता, सड़क पे आ गए थे, ना कोई रिश्तेदार ना कोई कुछ, मेरे को बोलने में उसमें भी वो कुछ नहीं है। शायद कुछ चीजें कहते हैं ना, मेरी माँ के जेब में भी किसी ने एक बार बोला भी था, इनके जेब में भी 100 रुपए भी नहीं है कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि उनके माथे पे कभी वो कहते ना शिकंद नहीं आई थी कि नहीं नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ वैसे ही, क्योंकि वो चीज इनबिल्ट में थी, लिव दैट ऑलरेडी आपके पास। जैसे बच्चे को बोलो कि एरोप्लेन आज दोपहर को लेके दे, हे खुश 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 घूमेगा, वो एक फील अपने अंदर लेके आओ, बेहतरीन वे से काम करेगा, है वो ऑलरेडी है, वो आपके अलाइनमेंट में आ जाएगा। आपको मैंने हमेशा बताया, मैं जो आपको देखती हूँ, हम दुनिया देखते, दैट इज जस्ट 10%, 90% इज द एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी इज व्हाट इट इज इनर्जीज, समझे। हम जब इच्छा पूर्ति की बात करते हैं, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, नहीं तो कैसे काम बनेगा, चाहे वो पाए भी हो काम नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है ना पाशा लोगों। तो आज से ही, एक सुबह दोपहर रात, कल से, कल सुबह का वाला तो निकल गया, कोई बात नहीं, एक बढ़िया सा लेके आओ, ताकि ये जो इच्छा पूर्ति का जो प्रोसेस है जबरदस्त वे में काम करेगा, ठीक है कि नहीं है। बाकी वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, क्या कहते हैं, कंसल्टेशन जिनको चाहिए व्हाट्सएप कर देना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, आपको पता पाशा लोगों, असिस्टेंट अभी नहीं है, है कि नहीं, क्योंकि कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो जिनको भी कंसल्टेशन चाहिए मेरे को व्हाट्सएप कर देना। 5 दिन बाद सोएफिन क्रे की शूटिंग शुरू होने वाली है ना, तो अपना जिनको भी रजिस्टर करना है अभी आप कर देना, सो दैट मैं बात कर दूं। बाई चांस जब कंसल्टेशन नहीं होती, थोड़ी ऊपर नीचे चीजें हो जाती है, मैं कॉल बैक करूंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक, यार यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आ गई अनलाइक की दीवार है कि नहीं, बाकी डिसलाइक वालों तुम्हारी ऐसी तैसी, बट आई लव यू अल्टीमेट वाला है कि नहीं, और शेयर करो, शेयर से करो, सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।